आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। नमो अरियंताणंग नमो सिद्धाणंग नमो आर्याणंग नमो वज्जाणंग नमो लोए सब साउणंग ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाप प्रणासनो मंगलाणंग च सब्बे सिंह पड़मंग अवई मंगलंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिमंत्र की साधना। सनातन सत्य यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है जो हम आपको देना चाहते हैं। इसको देने के लिए हमें कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेना होता है, और ये सारा सब कुछ कुदरत से संचालित होता है। हम बहुत ब्रॉड सेंस के अंदर बात करना चाहते हैं, उसके अंदर हमारा व्यवहार जगत और हमारा आध्यात्म जगत दोनों का समन्वय हो जाता है। व्यवहार जगत में हम जीते हैं तो व्यवहार जगत हमारा अच्छा होना चाहिए। व्यवहार जगत कब अच्छा होगा? जब हम सबके साथ में समानता का व्यवहार करेंगे। और वो व्यवहार का दृष्टिकोण कहाँ से आएगा? वह भीतरी आध्यात्मिक जगत से आएगा। भीतर पावरफुल होता है और बाहर उससे कम पावरफुल होता है। भीतर बाहर को एनर्जी देता है। इस कारण अगर हमें बाहर के जगत को सुधारना है तो भीतर का जगत सुधार दो। जिसके भाव अच्छे हैं उसके विचार ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अच्छे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भावों से विचार बनते हैं। भाव मुख्य चीज है और विचार जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका बदलाव है। तो देखिए कि हम आपको सनातन सत्य देने के लिए अलग अलग एपिसोड्स रोज प्रतिदिन हम नया नया आपको देते हैं। हर विषय नया होता है, कोई भी पुराना विषय रिपीट नहीं किया जाता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि बंधन से मुक्ति की ओर। हम बंधन किसे कहते हैं? बंधन दो तरह का है, भीतरी बंधन और बाह्य बंधन। जो हमारे जो जगत हम देख रहे हैं, व्यवहार जगत, उसका बंधन कैसा है? अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए तो वह अपने आप को कैदी फील करता है। अगर किसी पशु को बाड़े में डाल दिया जाए तो वह बंधन फील करता है। अगर किसी पक्षी को जो है वह पिंजरे में डाल दिया जाए तो वह बंधन फील करता है। अगर किसी वाइल्ड एनिमल, शेर जैसे को जो है बड़े जो है पिंजरे में डाल दिया जाए तो वो बंधन महसूस करता है। बंधन का मतलब प्रतंत्रता, उसमें आदमी की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वह किसी दूसरे के भरोसे जीता है, अपनी स्वयं की जिंदगी नहीं जी सकता, उसको हम प्रतंत्रता कहते हैं। भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी रहा, और हम दूसरे आक्रमणकारियों की गुलामी समझें तो 800,000 वर्ष तक जो हमारा देश गुलाम रहा, शक, हूण, खिलजी, मुसलमान, और उसके बाद में डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतने इतने लोग व्यापार करने आए, लेकिन वो हमारे यहाँ की कुछ कमजोरी को देख करके यहाँ के शासक बन गए, हमको गुलाम बना दिया,
और अंग्रेजों ने तो हमको इंडियन डॉग्स कहा। इसका मुख्य कारण क्या था कि हमारी छोटी छोटी रियासतों के जो राजा हुआ करते थे बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत योद्धा थे और बहुत सही रास्ते पे चलने वाले थे, लेकिन वो आपस में लड़ते थे। इस फूट का लाभ उठा करके उन लोगों ने हमको, अगर अंग्रेजों का समझें तो 200 वर्ष तक और सबका समझें तो 800,000 वर्ष तक हमको गुलाम रखा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से वो सक्सेस हुए, सफल हुए, हमको एक दूसरे को भिड़ाते रहे और ये सारा हम बंधन में रहे। जब 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी और अन्य हमारे बलिदान लेने वाले लोगों की वजह से देश आजाद हुआ तो हम मुक्ति की सांस देने लगे। मुक्ति स्वतंत्रता है, बंधन प्रतंत्रता है, ये हम आपको जानना चाहते हैं। तो हमारे बाह्य जगत के अंदर हमको बोलने की, हमको खाने की पीने की, अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन अपने तरह का मतलब ये नहीं कि स्वच्छंदता होनी चाहिए। स्वच्छंदता होगी तो परिवार समाज एक जंगली राज बन जाएगा। जंगली राज के अंदर माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा जानवर पावरफुल जानवर निर्बल जानवर को खा जाएगा, उसको जंगल राज कहा जाता है, उसकी स्थापना हो जाएगी। तो जंगल राज होने से मनुष्य के और पशु के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम मानव हैं, हम जो है वो डेवलप्ड बुद्धि वाले मानव हैं, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो मर्यादित हो। मर्यादित स्वतंत्रता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको खाने की पीने की बोलने की कपड़े पहनने की और अपना होमवर्क करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बच्चा अगर स्वच्छंदता करे, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और वह जो है खाना कहता है कि नहीं मैं तो रोज पिज्जा खाऊंगा, रोज बाहर का खाना खाऊंगा, और दूसरा वो ये कहने लग जाए कि नहीं मैं तो केवल मिठाई ही खाऊंगा। यानी जो कुछ हमारे परिवार के नियम हैं, हितकर नियम, जब सब पालन करते हैं उसका पालन न करना ये स्वच्छंदता है। ये स्वच्छंदता तो बंधन से भी ज़्यादा खराब है, और इस स्वच्छंदता को ही हम जो है सही मायने में बंधन कहते हैं। जीवन में स्वच्छंदता कभी नहीं आनी चाहिए। प्रकृति कभी भी स्वच्छंदता अलाउ नहीं करती है, जो कि हमारा पालन पोषण करने वाली है और हम उसी को समर्पित है। अनुशासन प्रियता होनी चाहिए। देखिए, अगर नदी दो तटों में अनुशासित चलती है तो वो नदी आसपास का जितना भी एरिया है उसका जो है वो बेल्ट को चार्जिंग करती हुई आगे बढ़ती जाती है, और उन दो तटों में से उस नदी का कोई पानी जो है व्यवस्थित रूप से चलन बढ़ा के लेना चाहे तो ले भी सकता है, और उस नदी को जो है पक्का भी किया जा सकता है, और वो नदी अपने अनुशासन से बहती बहती सबको निहाल करती करती वो समुद्र में समा जाती है। ये सारा अनुशासन हुआ। और नदी का पानी तो गरीब अमीर सबके लिए है। नदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, अनुशासन है। सूर्य समय से उगता है, समय से अस्त होता है, दिन बनते हैं, रात बनती है, सारी ऋतुएं बनती है, समय पर आती है, ये प्रकृति का अनुशासन है। लेकिन अगर हम अनुशासन का मानव खास तौर से पालन न करें तो जो प्रकृति हमको पनिशमेंट देती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, सुनामी, कोरोना महामारी, ऐसे पनिशमेंट वह हमको देती है, तो
वहां पे हमारी स्वतंत्रता होते हुए भी स्वच्छंदता के कारण काम बिगड़ जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बंधन जो है, हम जिसके अंदर बंधे हुए हैं उसको वो बंधन हमें हटाना चाहिए, लेकिन उसमें स्वच्छंदता नहीं रहनी चाहिए। स्वतंत्रता वैसी होनी चाहिए जिसमें स्वच्छंदता का लेश मात्र भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, यानी वो मर्यादित स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आप देखिए, ये तो सब बंधन बाहर की बातें हैं। अब भीतरी बंधन की हम बात करें तो हमारे इस शरीर के भीतर जो परमात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा है वो बंधा हुआ है। वह शरीर की कारावास में है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप जो उसका है, उसका ज्ञाता दृष्टा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का भंडार, जिसकी योग्यता है, जिसके गुण है, वो प्रदर्शित नहीं हो सकते, क्योंकि वह कर्मों के बंधन से जुड़ा हुआ है। यानी जितना जितना कार्मण शरीर है, कॉजल बॉडी है, जितना जितना ज्ञान है, वह सारा बंधन है। अगर हम बंधन से मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं तो हमें उस अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। ये अज्ञान कैसे खड़ा हुआ? अज्ञान भ्रांति से खड़ा हुआ, अज्ञान हमारी रॉन्ग बिलीफ से खड़ा हुआ, अज्ञान हमारी स्वच्छंदता से खड़ा हुआ। हमने रॉन्ग बिलीफ कैसे खड़ी करी कि हम अपनी मर्जी से जो है वह साधु को असाधु, असाधु को साधु, मुक्त को अमुक्त, जीव को अजीव, अजीव को जीव, ऐसी भ्रांतियां पालते रहे। जो रियल फैक्ट है वो सनातन सत्य है, उस सनातन सत्य को हम मुकरते रहे। सनातन सत्य को हमने समझा नहीं, उसका पालन नहीं किया, तो भ्रांति से जो है हमारा अज्ञान खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के अध्यात्म का सार ये है कि हमें उस अज्ञान को समाप्त करना है। जितना भी ये सारा क्रिया कांड है, जितना भी मन वचन काया की शुद्धि करने की बात है, वह सारा इस अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न है। उसके कई कई रास्ते हो सकते हैं। अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान महावीर ने जो है तप बताया, उन्होंने निर्जरा के 12 भेद किए, तप के 12 भेद किए, उसमें 6 तो जो है बाहर के भेद किए और 6 भीतर के भेद किए। देखिए, हमारे इस जगत में 3 तरह के लोग होते हैं। एक मंद बुद्धि होता है, एक मध्य बिंदु होता है, मध्य जो है बुद्धि होता है, एक तीव्र बुद्धि होता है। तो भगवान तो करुणा के सागर है, वो तो सबका उद्धार चाहते हैं। भगवान में इतनी करुणा है कि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है मुक्ति को प्राप्त हो, हर व्यक्ति जो बंधन में है वो मुक्ति की ओर प्रयाण करे, मुक्ति की ओर आगे बढ़े। उसके लिए भगवान उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, देते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर हमारा बंधन से मुक्ति की ओर जाने का रास्ता बन जाता है। और जब ये पारस मणि, चिंतामणि, रत्न जब किसी को प्राप्त हो जाता है तो वो निश्चित ही जो है अपने भाव करता करता एक दिन मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। तो मुक्ति का अर्थ यह है कि हमारे शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो भीतर विराजमान है उसको कर्मों की कारा से आजाद करना, यानी हमारी कॉजल बॉडी। मुख्य बात है वो कॉजल बॉडी और वो अज्ञान, ये सब पर्यायवाची है, कोई भी शब्द का उपयोग की सकते हैं। अलग अलग धर्म दर्शन इस अज्ञान को अलग अलग शब्दों में कहता है, कोई अविद्या कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई देव कहता है, कोई किसी न किसकी काम से पुकारता रहता है, लेकिन इस बंधन का कारण अज्ञान है।
आप इस सनातन सत्य को पकड़ लीजिए कि हमें अज्ञान पर चोट करनी है। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमारी सारी डायग्नोसिस करने के पहले पारिवारिक हिस्ट्री, हमारा आचार विचार, हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा आहार विहार सब की पूछताछ करता है और हेरिडिटरी की भी पूछताछ करता है। क्यों करता है? कि वह उस बीमारी का कारण पता करना चाहता है और कुछ टेस्टिंग भी कराता है जहाँ जहाँ उसको डाउट है कि कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, फ्लोराइड की कमी है, या जो जो सब्सटेंस इस शरीर को चाहिए उसमें जो जो कमी महसूस होती है उसका जो है वह जो है टेस्ट करके और फिर डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने के बाद में हमें जब वो निष्कर्ष पर पहुंचता है तो कारण की जानकारी हो जाती है। जब व्यक्ति को सही कारण मिल जाता है तो निवारण भी प्रारंभ हो जाता है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है, उल्टी सीधी दवाई दे दी तो वो असर नहीं करके बल्कि बेअसर कर देगी, वह आपके ऊपर रिएक्शन कर देगी। तो हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम पूरे अध्यात्म को टटोले तो अध्यात्म के टटोलने में बंधन का कारण अज्ञान आएगा। ये सर्वसम्मति से जो है ये मान्य कर दिया है कि बंधन का कारण अज्ञान है, स्वतंत्रता का कारण जो है वो ज्ञान है, विज्ञान है, परतंत्रता का कारण ये अज्ञान है। तो हमें अज्ञान पर चोट करनी है। इस अज्ञान को जो है ये अज्ञान इकट्ठा कैसे हुआ? देखिए कि व्यक्ति जन्म जन्मांतर से घूम रहा है और घूमते घूमते वह जो है अपने जीवन के अंदर कोई प्राणियों के साथ के अंदर व्यवहार करता है, किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। तो आपसी जो है काम से, सुख दुख से जो है वो उसके कुछ कर्मों का बंधन हो जाता, कॉजेस बढ़ जाते हैं। एक कॉज को हम कॉज कहते हैं और बहुत से कॉज जब जीवन में इकट्ठे हो जाते हैं तो वह बंच ऑफ द कॉजेज यानी कॉजल बॉडी बन जाती है। ये कॉजल बॉडी अज्ञान है। इसको हम राग द्वेष भी कह सकते हैं, इसको हम कषाय भी कह सकते हैं, इसको मोह का संसार भी कह सकते हैं हम। तो ये सारा जो हमारा अज्ञान है, कॉजल बॉडी है, ये इकट्ठा होता रहता है। देखिए, हमारे भीतर जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है जिसकी वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी हाजिरी बिना कुछ नहीं होता है। वो अगर नहीं है तो ये शरीर मुर्दा है, ये मिट्टी की तरह है, उसको कोई घर में नहीं रखता है, उसको जला दिया जाता है। इसीलिए हम जो है भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान को भी समझें, उससे हमारा अज्ञान दूर होगा। भौतिक विज्ञान इस सृष्टि के पांच तत्वों को मान्य करता है। पांच तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है कि मैटर, पुद्गल। दूसरा जो तत्व है कि ये पुद्गल जब गति करना चाहता है, यानी इस पुद्गल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, तो गति सहायक तत्व होता है जिसको कि मोशन कहा जाता है। ये दो तत्व हो गए। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज का वो विषय नहीं है। और तीसरा जो है ये कोई भी पौद्गलिक पदार्थ है जो मूवमेंट स्थिति के अंदर है, वो अगर रेस्ट की स्थिति में आना चाहता है, और रेस्ट में आता ही है। आप कोई भी जो है वो पहाड़ से जो है गोला यानी पत्थर गिरा, तो गिरने का अर्थ क्या है कि उसको जो है गति वाले तत्व ने सहायता की और नीचे आके समतल जगह पर गिर गया। इसका मतलब स्थिति सहायक तत्व ने उसकी मदद की, उसने उदासीन भाव से डिमांड किया तो वहाँ जाकर के वो रेस्ट करने लग गया। तो ये जो हो गए तीन तत्व। चौथा है टाइम, क्योंकि हर चीज का समय होता है,
टाइम के बिना कोई भी घटना घटित नहीं होती है, उसको वर्तना कहते हैं। और पांचवा जो तत्व है स्पेस, आकाश, जो अवगाहना देता है। इन पांच तत्वों को भौतिक विज्ञान स्वीकृत करता है। अब हम अध्यात्म विज्ञान के अंदर आते हैं, हम बंधन और मुक्ति के दायरे के अंदर आते हैं। यहाँ पे बंधन मुक्ति की कोई बात नहीं थी, तो हम अब बंधन और मुक्ति की बात में आते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान पांच को एग्री करता है और एक तत्व जो है चेतन को और जोड़ देता है। तो चेतन आने से पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, बंधन मुक्ति, पुण्य पाप, सुख दुख, सारी बातों का विवेचन चालू हो जाता है। आध्यात्मिक जो हमारा जगत प्रारंभ हो जाता है। चेतन तत्व के बिना आध्यात्मिक जगत प्रारंभ नहीं होता है, मात्र हमारा भौतिक जगत ही रहता है, जो कि हम खुली आंखों से सब देखते हैं। तो अध्यात्म के अंदर हमारा भौतिक जगत समाहित है, उसका पूरक है। भौतिक जगत को अध्यात्म जगत, अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान को एग्री करता है, अपनी एक शाखा के रूप में मानता है। तो हम बंधन से मुक्ति की ओर बात कर रहे हैं, तो हमने बंधन का कारण का पता लगाया, अज्ञान। अब इस अज्ञान को कैसे मिटावे, वो हम आपको आज नुस्खा देना चाहते हैं। हम जो सनातन सत्य जो देते हैं आपको, मुख्य दो सिद्धांत पर आधारित है। लंबे चौड़े कोई भी सिद्धांत हमारे पास में नहीं है, केवल दो सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है कि पहला सिद्धांत ये है कि मन, वचन, काया, यही तीन काम करने वाले अंग है। इसके अलावा तो कोई काम करने का अंग होता ही नहीं है। मानव एक विशिष्ट प्राणी है, तो उसके आधार पे बात करते हैं। कईयों के तो मन होता ही नहीं, वचन होता ही नहीं, वो कईयों प्राणियों के लिए, और काया तो हर एक में होती, तो एक होने से क्या होगा। तो हमने आइडियल प्राणी को लिया, वो मनुष्य है। तो मनुष्य के मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, हर अवस्था, मन का भूत भविष्य वर्तमान का चिंतन करना, वचन से सब चीजों को बोलना अच्छी बुरी का, काया से सब तरह से अच्छे बुरे पुण्य पाप के कार्य करना, ये मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, एवरी जो एक्टिविटी, हम उसको अवस्था गिनते हैं। और अवस्था क्या है कि वो संयोग वियोग के अधीन है। तो मन, वचन, काया से जुड़ी अवस्था मात्र कुदरती रचना। कुदरती का मतलब उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर है, वो कुदरत है। यानी उस पे आपका बस नहीं है, आपका कानून नहीं चलता, आपका हथौड़ा नहीं चलता, आपकी मर्यादा नहीं चलती, आप कोई रोक टोक नहीं करते। वो तो कुदरत के ताबे चला गया, कुदरत के अधीन रहना पड़ेगा जीवन भर। उसको कुदरती उसका पालन, जन्म देगी, पालन पोषण करेगी, बड़ा करेगी, सब एक्टिविटी कराएगा। तो ये सारी जो अवस्था है, अवस्था मात्र विनाशी होती है, अवस्था मात्र जड़ होती है, और ये अवस्था नाशवान है, आने वाली, जाने वाली। और सबसे बड़ी बात है, ये बंधन वाली है। बंधन का अर्थ ये होता है कि आप पिछले जन्म से क्या क्या जो प्रतिष्ठाएं करके आए हो, उसकी एक एक प्रतिष्ठा इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म रूप में हूबहू जैसा कि टेप रिकॉर्ड करके लाए हो, वैसी की वैसी आपको इस जन्म में मन, वचन, काया की बैटरियां तीनों टेप खुलती रहती है। जितना आपका आयुष्य है, आयुष्य समाप्त होते ही ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर, कार्मण शरीर आत्मा और तेजस शरीर, उसको धक्का दे करके ले जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीज जो है ना, इसको आपको समझना है। आप सिर्फ मन, वचन, काया को ही अपना पुरुषार्थ मानते हो, ये अज्ञान है। इस अवस्था को अपनी अवस्था मानते हो,
मैंने किया, घर मैंने बनाया, मैं बड़ा व्यक्ति, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं बड़ा लेखक, मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, मैं और मेरा आप जोड़ करके अज्ञान को खड़ा करते हो। अगर मैं मेरा नहीं जोड़ते हो और इसको मात्र भुगतते हो इन अवस्थाओं को, तो आपके नई कॉजल बॉडी, नया अज्ञान खड़ा नहीं होगा, और जो अज्ञान लेकर के आए हो वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज द सनातन सत्य। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला दिया कि जो लेके आए हो भुगतते रहो, ये तो पुण्य और पाप, ये तो जो है प्रारब्ध हृदय के अधीन, ये जो है कुदरत के अधीन है। अब हम जो है आपको स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये हमने कर्म बंधन की बात की, अब कर्म मुक्ति की बात हम आपको बताते हैं कि मुक्ति में जाने वाला कौन सा तत्व है। क्या ये शरीर मुक्ति में जाता है? नहीं जाता। मुक्ति का अर्थ है शाश्वत सुख, मतलब जो भीतर हमारा प्रभु विराजमान है, हमारा चेतन तत्व विराजमान है, जो कि शुद्ध रूप के अंदर है, और इसका इस शरीर से सारा नाता, सारा हिसाब जब चुकता हो जाता है, 100% एनओसी मिल जाती है, तो 100% एनओसी के बाद के अंदर फिर वह वापस पुनर्जन्म नहीं करता है, फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त ईश्वर बन के सिद्ध शिला में जाकर के शाश्वत सुख के अंदर विराजमान हो जाता, मुक्त हो जाता है, संपूर्ण स्वतंत्र हो जाता है, निर्जरा स्वतंत्रता है, वह आंशिक स्वतंत्रता, आंशिक निर्जरा है, और संपूर्ण जो है वो निर्जरा है, वही हमारी मुक्ति है। और जो बंधन है वह हमारा आश्रव है, बंधन है हमारी प्रतंत्रता है, और बंधन हमको जकड़े हुए है, बंधन का कारण अज्ञान है, ये हमने मालूम किया। और उस अज्ञान को हटा के, उस अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ के, मैं और मेरा को तोड़ करके, हमने जो है एक दृष्टि विज्ञान दिया। दृष्टि विज्ञान यह है कि आप जो है आत्मा के साथ में जुड़ो, आप रियल पुरुषार्थ करो। रियल पुरुषार्थ है वो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा वाला इस जगत के हर इंसान को निमित्त, निर्दोष और अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप मानता है। ये दृष्टि विज्ञानी ऐसा करता है, क्योंकि जो हमारी चेतना है वह स्वतंत्र है, उस पर कोई तरह का कुदरत का कानून लागू नहीं, उस कुदरत के कानून से वो परे है। कुदरत का कानून मात्र जड़ पर लागू होता है, तो ये कुदरत का कानून चेतन पर नहीं होता, और चेतन का कानून कुदरत पर नहीं होता है। उनकी अलग अलग धाराएं, अलग अलग विभाग है, जो मैंने बताया कि हमारा जितना भी व्यवहार जगत है वो सारा कुदरत के अधीन है, और जो हमारा निश्चय जगत अध्यात्म है वो सब जो है हमारी एक हमारी आत्मा की जो है स्वतंत्र सत्ता पर जो है वो निर्भर करता है। तो हम दोनों का समन्वय करें, ये तो अपना काम कर रहा है और वो अपना काम कर रहा है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो बंधन का कारण अज्ञान, उस अज्ञान को ज्ञान और विज्ञान से, उस कॉजल बॉडी को धीरे धीरे शून्य करके, जीरो करके, हम अपना 100% स्वतंत्र हो जाते हैं, वही हमारी मुक्ति की अवस्था है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सबको मुक्ति मिले, आपके प्रति शुभकामना मंगल।